Okay. So let's start now. Next part, that is, what is period and frequency? Period and frequency. सबसे पहले पीरियड देखेंगे. हाँ, यस, टेल मी व्हाट इज द पीरियड. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. यस, टेल मी व्हाट इज पीरियड. मतलब क्या रे? टाइम. हाँ, टाइम. ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, यस, इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. हाँ, और यू कैन से द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड, है कि नहीं? राइट. तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, यहां पे स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम after which the motion is repeated. And it is denoted by कैपिटल टी एंड इट्स SI यूनिट इज सेकंड, है कि नहीं? SI यूनिट इज सेकंड. ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय F. बोलो क्या है ये? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है कि नहीं? और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन सेकंड. तो क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम. और यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. हाँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं. तो ये एफ इज इक्वल टू क्या होगा? वन बाय टी. सर, ये शॉर्टेड नाउन सर. यस. हाँ, तो अब ये है क्या? फ्रीक्वेंसी, राइट? और इसका SI यूनिट क्या होगा? ये तो आपको मालूम है, SI यूनिट इज हर्ट्ज. ओके, और वन हर्ट जो है वो क्या होता है? वन ऑसिलेशन पर सेकंड. क्लियर है? आया समझ में? पीरियड. पीरियड मीन्स व्हाट? स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो एफ इज इक्वल टू वन बाई टी, SI यूनिट इज हर्ट्ज, एंड वन हर्ट्ज इज इक्वल टू हाउ मच? वन ऑसिलेशन पर सेकंड. कोई डाउट?
हाँ सर। अर्थमवुतुंदा? यस सर। यस सर। इज इट ओके एवरीथिंग इन इंग्लिश और लिटिल लिटिल यू वांट ट्रांसलेशन इन हिंदी और तेलुगु? डू यू वांट ट्रांसलेशन इन हिंदी और तेलुगु? नो नीड सर। ओके अदरवाइज स्लोली स्लोली वन विल स्टार्ट स्लीपिंग। Oh my God! No picture is changing. No, sir. Yes, no. Already it is afternoon time. Morning, bonda yet, sir. How I can watch class continuous class of 1 hour? Bonda is saying no from inside. Yes, sir. Sleep, Babu, sleep. Completed. Okay. Yes, yes, yes. Finished. Yes, sir. हाँ तो कौन बोलेगा? What is time period for time period? Just definition is say. Smallest intervals of time. हाँ after which? After which the motion is repeated. It is denoted by SI unit seconds. It is denoted by SI unit or it is denoted by T? It is denoted by T and the SI unit is second. Okay, Shruti. Shruti. Shruti, कहाँ पे? P. Shruti. Yes, sir. Tell me what is frequency? Frequency. Who will tell? Reciprocal of time period. Reciprocal of time period. Okay. So shall we go ahead? Yes, sir. Right. Now. हाँ तो अब नेक्स्ट वन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? What we can say? Yes, can anyone about this displacement? Can anyone tell me what is the displacement? Shortest distance covered by the shortest path. Okay, shortest path. That is different. Here it is what displacement means. 1 minute, 30 seconds, sir. One. One. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? देखो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद टाइम. यस वेरी गुड. क्या बोलेंगे? चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम. यस यस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी
Sir, physical. Change in physical quantity under consideration with time. हाँ यस बोलो क्या डाउट है. नथिंग. एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट्स किसमें किसमें बोलेंगे. पोजिशन है ना. नेक्स्ट एंगल. नेक्स्ट प्रेशर. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ईटीसी. Electric and magnetic fields ETC. Okay. Sir, एक बार एक example के साथ बोल सकते हैं. हाँ बिल्कुल. ये देखो अगर मैं simple pendulum लेता हूं यहां पे आप देख सकते हो ये मेरी initial position थी. ये pendulum यहां पे था. अब ये यहां से इधर जा रहा है. हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. फिर से ये इधर भी आ सकता है तो हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन थीटा. तो क्या मैं इस केस में थीटा को डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं. हाँ या ना बोलिए. हाँ या ना. Yes or no? Yes, sir. हाँ. Clear? Yes, sir. So that is what displacement meaning is. एक example लेते हैं. एक example लेते हैं displacement का. दो example दूंगा. अब देखो. Example number one. एक loaded spring लिया है. क्या लिया है. लोडेड स्प्रिंग. यहां पे आप देख सकते हैं एक लोडेड स्प्रिंग लिया है और उस स्प्रिंग को क्या किया है हमने एक मास को अटैच किया है. वी हैव अटैच्ड अ मास. देखो किया है अटैच. अब क्या होगा. ये जो मीन पोजीशन है यहां पे अब अगर ये नीचे जाता है बॉक्स या तो ऊपर आता है जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा. समथिंग लाइक दिस. अब देखो तो ये जो है इसकी मीन पोजीशन है. अब ये जो दूसरी है ये है एक्सट्रीम पोजीशन नीचे भी और ऊपर भी. तो ये जो डिस्प्लेस हो रहा है एक्स से क्या मैं इस केस में एक्स को डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूं. यस और नो. है कि नहीं. यस सर. यस सर. है ना. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं देखो. When a body is oscillating under the action of spring, when a body is
oscillating under the action of spring, the displacement variable is its deviation. That is what displacement is, hai ki nahi? Hai na? Clear? Yes, sir. मैं दूसरे पेज पे जाऊं सर वन मिनट नोट डाउन करो कंप्लीटेड Sir, you will come sir, on September 1st, college. Yes, why not? Yes, finished? Finished, sir. Okay, next. Example number 2. Now see here in this example, in a simple pendulum, already I explained. One more time you see. This is the string and this is a bob. When it is displacing, then this theta is what its displacement. Displacement variable is angular deviation. Hai na? So, yeah. Kuch doubt, koi sandeh hai? No, sir. And in simple harmonic motion, displacement y is equal to a sine omega t. Okay, in simple harmonic motion, displacement can be represent
as y is equal to a sin omega t. इससे हम डिनोट करते हैं. किसको चाहिए प्रीवियस पेज ले लो. फिनिश्ड. यस सर. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट मींस फर्स्ट बिफोर दिस द नेक्स्ट वन. आई मीन नो नॉट दिस एग्जांपल. हाँ गुड. इजी है ना. समझ में आ रहा है. यस सर. किधर जा रहा है. बाहर जा रहा है. अंदर जा रहा है. सर आंसर में से दैट पेंडुलम सर. व्हिच वन हियर. नाइस. फ्रॉम व्हिच. व्हिच वन रे. हार्मोनिक. हार्मोनिक. This one, this displacement, this one. Yes, sir. This example, this we are going to prove. Just wait. I had its proof is there. Okay. Okay. What is a? What is omega? Everything I will tell. This is just represented by. I had its proof is there. Then we will see. Okay. Okay, sir. Sir, in display. Sir, once you explain. Angular deviation from vertical, sir. Simple. See, when this is a pendulum, na, this pendulum is moving from its position to here, na. Yes, sir. Then with this vertical, how much angle it is displacing theta? Yes, that's sir. Why this theta is what here? Displacement. Angular deviation is what displacement variable. Sir, again it will move here to right to also. No, no problem, na. You take here also, not an issue. You take here also. If it is this side. Theta. Then also, whatever it is, angular deviation, that is what your displacement variable. Okay. Yes, sir. Got it. Both side, not only one side. Okay. Yes. Okay. Clear, sir. Or any doubt? This equation y is equal to a sin omega t we are going to prove ahead. Okay. Okay. Shall I go to the next page? Yes, sir. 1 minute. Note down karo. Come to the point. Next one, that is simple harmonic motion. What is the simple harmonic motion? Simple harmonic motion. सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है. यस पवित्रा बोलो क्या है डेफिनेशन. यस दे विल आस्क यू दिस डेफिनेशन फॉर 2 marks. रेंडु मार्कुलु. How many marks? 2 marks. तो ध्यान से देखो और समझो और नहीं समझ में आया तो पूछो. देखो क्या है डेफिनेशन. A body is said to be in सिंपल हार्मोनिक मोशन. मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन. इफ इट मूव्स
if it moves to and fro, if it moves to and fro along a straight line, if it moves to and fro along a straight line, about its mean position, about its mean position, such that, such that at any point, such that at any point its acceleration, its acceleration is directly proportional, directly proportional to its displacement, its displacement and is direct proportional to its magnitude. Double हो गया क्या, क्या लिखा है, एक मिनट रुको, ये डबल हो गया है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, and is directed always towards the mean position. Okay, how it is? Very big definition, right? Sir. कैसे याद रखेंगे, देखो, a is direct proportional to minus y, okay, and it always direct towards its mean position. ये देखो, a body is said to be in simple harmonic motion if it moves to and fro along a straight line. ये तो याद रहता है. About its mean position, such that at any point its acceleration is direct proportional to displacement in magnitude. Displacement means y in magnitude, but opposite in direction, that's a minus sign, and always directed towards the mean position. Understood? Yes or no? ये pendulum में समझो, ये इधर जा रहा है, okay, इस तरफ जा रहा है, got it? अब इसका जो भी कुछ displacement होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, और ये हमेशा डायरेक्ट किस तरफ करता है, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, है कि नहीं, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. अगर इधर गया तो भी ये फिर से वापस आने के चांसेस है कि नहीं, गॉट इट, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो कैसे बोलोगे, याद रह रहा है कैसे, देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन SHM if it moves to and fro along a straight line about its mean position, such that at any point its acceleration is directly proportional to its displacement in magnitude, but opposite in direction, and is directed always towards the mean position. Aaya samajh mein? Jaise ki सर सर आर एक बार बोला सर, आर एक बार. इफ ए इज
directly proportional to A is acceleration. A is acceleration. Y is displacement. Then A is directly proportional to minus ky. Dekho, a body is said to be in SHM if it moves to and fro. Pehle to ye to and fro ghumna hai. Hai na? Aage piche about mean position in a straight line. And at any point, its acceleration is directly proportional to its displacement in magnitude and opposite in direction. Hai ki nahi? And is always directed towards the mean position. Okay? क्लियर है? यस सर। एक्सेलरेशन आप इतना याद रखो, टू एंड फ्रो तो आपको याद रहता है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दैट्स इट। ओके? ओके सर। क्लियर है? के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर? यस सर। Proportionality constant और negative sign क्या indicate करता है? Negative sign indicates A and Y are in opposite direction. Okay? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा डेफिनेशन सर? बोलो। अपने वर्ड्स में बोलो, जैसे कि जैसे बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोलो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो in a straight line, yes, about its mean position, at any point, proportional to its displacement in magnitude, but opposite in direction, is directed always towards the mean position. And it always directs towards the mean position. And yes, therefore, A is directly proportional to minus y, acceleration, directly proportional to displacement. Negative sign indicates what? Acceleration and displacement are always in opposite direction. Opposite. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई संदेह है? सर तो नहीं, इसको नहीं है सर, संदेह कुछ भी संदेह नहीं है। हाँ सर, इसको तो माइनस के भाई, वो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया ना, उसके बदले में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं रखेगा? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, समझो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के ऐसे किया है। ओके यस सर, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके सर, सर मैं एक बार बाहर जाके आता तो जाओ ना, तुम्हारा ही राज्य घर में, कौन पूछने वाला है तुम्हें? जाओ जाओ, हॉनेस्ट बच्चा है, बहुत हॉनेस्ट है, वाह वाह वाह, क्या बात है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस यस सर। तो नेक्स्ट में देखेंगे हम कंडीशंस फॉर SHM। ओके, क्या है कंडीशंस? कंडीशंस फॉर SHM, तो पहला
motion of particle must be periodic. Motion of particle must be periodic. Periodic मतलब क्या रे बोलो. नंबर दो सर पार्टिकल. हाँ smallest intervals of time after which motion is repeated. हाँ पार्टिकल मस्ट मूव टू एंड फ्रो. पार्टिकल मस्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स्ड पोजिशन. अबाउट मीन पोजिशन बोलेंगे है ना. मीन पोजिशन एमपी मध्य प्रदेश नहीं है ये. ओके तीन नंबर. ओके सर. एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन. ओके फ्रॉम मीन पोजिशन. फ्रॉम मीन पोजिशन. नेक्स्ट नंबर ए एंड वाई शुड बी अपोजिट. अपोजिट इन डायरेक्शन याद रखो. ओके एंड acceleration must be directed towards its mean position. Okay. Okay, sir. अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखो क्या क्या एग्जांपल्स है. एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें पहली है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो उसमें नंबर वन ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब देखा है ये. Oscillations of liquid column in YouTube. ये वाला YouTube नहीं कौन सा YouTube. सर YouTube क्या है सर. हाँ बोलता हूँ. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. नहीं 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 ये वाला YouTube. जैसे कि अभी ये नली है ना ये पाइप है देखो. हाँ ओके सर got it. Understood. ये अधभर गगरिया छलकत जाए है ना. ये देखो यहाँ तक आएगा फिर से ये ऑसिलेट होगा फिर से ये इधर आएगा है ना. Understood. Yes sir. हाँ वैसे. उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है क्या है वो दूसरा एग्जांपल. ऑसिलेशंस ऑफ अ स्विंग विद स्मॉल एम्पलीट्यूड. सर लिक्विड लिक्विड ओडियम सर व्हाट इज दैट. लिक्विड कॉलम कॉलम. हाँ रुको लिखता हूँ. लिक्विड कॉलम है वो. लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब COLO. COLU रहना चाहिए ना. लिक्विड कॉलम POLUM. हाँ यस लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब ठीक है. स्विंग स्विंग विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड ये तो आपको मालूम है. गार्डन में रहता है वो. नेक्स्ट एग्जांपल देखो ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग ये भी आपको मालूम है. ऑसिलेशंस ऑफ loaded spring. Next number
simple pendulum. Simple pendulum. Okay. ये सब क्या है? लीनियर SHM है. दूसरा वाला जो है एंगुलर SHM, एंगुलर SHM के कुछ एग्जांपल्स. नंबर वन, बैलेंस व्हील. मैंने कल बोला था बैलेंस व्हील इन अ वॉच, है कि नहीं? उसके बाद दूसरा टॉर्शनल पेंडुलम, ये भी मैंने बोला है ना, टॉर्शनल पेंडुलम. राइट, है कि नहीं? जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, बैलेंस व्हील, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, टॉर्शनल पेंडुलम भी. yes, sir. है कि नहीं? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंगुलर SHM और लीनियर SHM के. सर, हाँ बोलो सर. इन कंडीशंस ऑफ SHM फिफ्थ पॉइंट acceleration is dial proportional to y from mean position. Yes, what is that? In this means, okay, what is your A is dial proportional to y, na? It means what? Acceleration should be dial proportional to y from its mean position. Okay. Okay. Or quite out. And here acceleration must be directed towards its mean position. Understood? Yes, sir. तो चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं. ओके ओके सर. हो गया लिखना? Yes, sir. ओके, बाय. थैंक यू सर. एक बार पढ़ो इसको.